नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत करने पहुंचे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय जो है वो कि कैसे हम अपने किसान भाई या फिर जो डेयरी पशुपालक हैं, जो डेयरी के संचालक हैं, वो किस तरह से अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पशुओं का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आए दिन हमारे पास में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं कि हम अपने पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं, उनका फैट कैसे बढ़ाएं, उनके NSF SNF कैसे मेंटेन रखें। तो दोस्तों, इन सभी का जो उत्तर है वो एक बार में देना थोड़ा मुश्किल है। अभी हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे कि आप सबसे पहले अपने पशु का जो है दूध बढ़ा सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने पशु को जो है बांटा इस तरह से दिया है। तो हमारे किसान भाई कई बार क्या गलती कर देते हैं, जो आमतौर पर देखने में आया है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो चारे के साथ में बांटा देते, हरे चारे के साथ में। यदि सूखा चारा है तो जो बांटे की चाट है वो चल जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यदि आप हरे चारे के साथ में आप देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पशु खाता भी नहीं है, और यदि आपने उसको डाल दिया तो हरा चारा जो पशु खा रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको भी नहीं खाएगा। तो इस समस्या से समाधान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब हम बांटा उसको डालते हैं तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आता, जब हम चारे के ऊपर बांटा डालते हैं तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आता जितना कि हमें पशु के दूध में मिलना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी विधि बदलनी चाहिए, क्या हमें अपने मेथड बदलना चाहिए, और किस किस तरह से हम जो है अपने पशु का जो है दूध बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो हैं कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें समझनी होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम अपने पशु को फीड कराते हैं तो फीड में जब हम चारा डालते हैं तो चारे के ऊपर थोड़ा हम बाटा डालें, उस वो थोड़ा इसलिए यदि हम सारा एक साथ डाल देंगे तो जो हम विधि बताएंगे उसमें यदि आप डालेंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमारा तो बाटे में ही इतना खर्च हो जा रहा है, तो हम कैसे अपने डेयरी को मेंटेन कर पाएंगे उसके खर्चे को। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको बाटे का पूर्ण जो है इंतज़ाम अपने डेयरी फार्म पर कैसे करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हम अपने पशुओं को शाम को कैसे जो है बाटा देते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारा जो है बाटे का जो है होद है, इसमें हम जो है दलिया ये बनाकर भिगोया हुआ है। अब हमारे पास में थोड़ा पशु ज़्यादा हैं इसलिए हम जो है दलिया उबाल नहीं पाते, ये हमने कच्चा है, कम से कम 4 से 5 घंटे भीगा हुआ। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये जो है नमक दोस्तों हमें थोड़ा सा प्रत्येक बाटे में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने पशु को जो है देना चाहिए, जिससे कि उनका जो है बॉडी मेंटेन रहे और किसी प्रकार की पेट संबंधित समस्या ना हो, अपच की समस्या ना हो। अब हमने जो है बांटा, जितना भी हमें पशु को देना है, अब हमने इसका जो किया हुआ 1 किलो इसमें आता है, ये हमने एक पशु के लिए 1, 2 और थोड़ा हाफ, एक गाय के लिए जो गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है उसके एक समय का बाटा ये काफ़ी है। अब चलिए कि हमें देते कैसे हैं, हमने ये साथ में दिया, हालांकि हम इस गाय को पहले डाल चुके हैं लेकिन वीडियो में आपको दोबारा दिखा देते हैं। इस तरह शाम के चारे के बाद इस तरह से हम जो है इनको अलग से बाटा देते हैं। गेहूं का जो दलिया है, आपके पास यदि 1 या 2 पशु हैं तो आप उबाल कर दे सकते हैं या फिर इस तरह से आप पिला सकते हैं। आप इसमें
यदि आपने उबाल रखा है तो आप इसमें थोड़ा तेल, गुड़ की डली आप इसमें डालकर दे सकते हैं। यदि आपने ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन भी की है तो आपको कुछ दिन बाद ही इसका रिज़ल्ट आपके सम्मुख आ जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ दिन में ही आपका जो पशु है वो दूध से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि यदि इस प्रक्रिया को आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है फैट आपका डाउन चला जाएगा। तो उसको कैसे मेंटेन करना है ये हम आपको नई वीडियो में जानकारी देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, दूध बढ़ाने का ये फॉर्मूला कैसा लगा, आप ज़रूर इसको प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। चाहे आपके पास गाय है या भैंस है, उस पशु को यदि आप इस तरह से फीड देते हैं शाम के दाने चारे के बाद, ये जो बांटा है ये इस तरह से देते हैं, तो निश्चित ही आप अपने पशु का 1 से 2 किलो दूध बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अपने प्रैक्टिकल द्वारा अपनाई गई जो चीज़ें हैं वो आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों वीडियो में बड़ी ही सावधानी के साथ प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया गया है। जो प्रैक्टिकल हम खुद अपनी गायों पर, जो दुधारू हमारी गायें हैं जो दूध देती हैं उन पर हम प्रयोग करते हैं। आप चाहे तो अपने गाभिन पशु को भी ये 1 किलो पर टाइम कम से कम आप दे सकते हैं फीड से अलग, तो उसका भी बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।